नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के बारे में। संपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाले हैं कि कितने के का हम ट्रांसफार्मर लगवा सकते हैं, कितने किसान मिलकर लगवा सकते हैं, एक किसान एक से अधिक ट्रांसफार्मर लगवा सकता है नहीं, अप्लाई कहाँ से करना है, क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेगी, सभी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर में आया था कि मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लॉन्च की है। योजना में किसान या किसान के समूह को 3 हॉर्स पावर के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर और 11 kV विद्युत लाइन की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, अगर आप 3 हॉर्स पावर के पंप कनेक्शनधारी हैं तो आपको 11 kV 11 लाइन की सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि किसी भी किसान को आवेदन देकर अपने खेत में ट्रांसफार्मर लगवा सकता है। कोई भी किसान आवेदन देकर अपने खेत में ट्रांसफार्मर लगवा सकता है। ट्रांसफार्मर जो लगेगा उसका आधा खर्च सरकार देगी और आधा खर्च किसान या किसान के समूह को देना होगा। ठीक है, कितनी दूरी होनी चाहिए। ऊर्जा विभाग ने इस योजना में ट्रांसफार्मर के बीच की दूरी, मतलब जैसे एक आपके बगल वाले किसान ने लगवा ली है और अब आप लगवाना चाहते तो उन दोनों ट्रांसफार्मर के बीच की दूरी 200 मीटर होनी चाहिए। 3 दिन पहले ही कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी गई है। 3 विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के भी निर्देश दे दीजिए। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से किसानों को बिजली की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। अब हम आपको दे रहे हैं योजना के बारे में यह जानकारी जो आपको पता होना जरूरी है, जैसे कि कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ, आवेदन आपको कहां पर करना है। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं किसान हूं, मुझे कनेक्शन कैसे मिलेगा, पर आपका क्या है कि मैं आवेदन कैसे होगा। बिजली कंपनी की वेबसाइट पर एक लिंक दी गई है ऑनलाइन आवेदन के लिए। 3 विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट की लिंक यहाँ पर आपको दी गई है, जैसे कि portal.mpcz.nic.in, mppwz.co.in के माध्यम से संबंधित वितरण केंद्र में अप्लाई कर सकते हैं। इनके आपके नज़दीकी संबंधित केंद्र है, जो विद्युत वितरण कंपनी के जो नज़दीकी केंद्र है उस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक किसान कितने कनेक्शन ले सकता है। ठीक है, एक किसान अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग कनेक्शन ले सकता है। एक सर्वे पर एक ही कनेक्शन दिया जाएगा, दूसरे कनेक्शन के लिए अलग से सर्वे देना होगा। अगर भी आपने एक आवेदन लगाया तो जितने कनेक्शन आपको चाहिए उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। मैं बिजली विभाग का बकायेदार हूँ, मतलब मेरा बिजली का बिल पूरा भरा नहीं है, तो क्या मैं कनेक्शन ले सकता हूँ। अगर आप बिजली कंपनी के बकायेदार हैं तो पहले आपको बिल क्लियर करना होगा, उसी के बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं। 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप वाले कनेक्शन के लिए कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। आपके पास 3 हॉर्स पावर या 3 हॉर्स पावर से अधिक के अगर आप कनेक्शनधारी हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं, मेरे पास स्थायी पंप कनेक्शन नहीं है, क्या मैं भी आवेदन कर सकता हूँ। जिन किसानों के पास स्थायी पंप कनेक्शन नहीं है वह नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास स्थायी पंप कनेक्शन है वह कनेक्शन स्थायी करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। मेरे पास पहले से स्थायी कनेक्शन पंप है, मैं कैसे आवेदन करूं। पहले से स्थायी पंप कनेक्शन धारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने अभी आपके पास स्थायी कनेक्शन है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। मुझे कितना पैसा जमा करना होगा इस योजना में कनेक्शन लेने के लिए। आवेदन करने वालों को 50% राशि जमा करनी होगी, इसके लिए की राशि अनुमानित रूप से जमा करनी होगी। जैसे कि कोई ट्रांसफार्मर या 1 लाख में लग रहा है तो 50,000 सरकार जमा करेगी, वो 50% राशि आपको जमा करनी होगी। कुल मिला के 1 लाख में से आपको 50,000 आपको जमा करनी है, 40,000 सरकार करेगी और 10% कंपनी खुद करेगी। ठीक है, इसके बाद बिजली विभाग कितने केवी के ट्रांसफार्मर लगाएगी। बिजली विभाग योजना के तहत 25 केवी के KVA के ट्रांसफार्मर सामान्य तौर पर लगाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने समूह में आवेदन किया है, समूह के लिए कितने केवी का लगाएंगे। तो अगर आपने समूह के लिए किया है तो समूह में 63 केवी के लगाएंगे। हमारे गांव के लोग समूह में आवेदन करना चाहते हैं। आवेदन करने वाले किसानों और किसान समूह का वितरण केंद्र के नाम पर ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा।
ट्रांसफार्मर फेल होने पर क्या करना होगा, विद्युत वितरण कंपनी के 1992 पर सूचना देनी होगी। मैंने आवेदन किया और कनेक्शन नहीं मिला तो क्या होगा, आवेदन के बाद निराकरण न होने की स्थिति पर जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको मानना है, सरकार का मानना है कि इस योजना के लागू होने के बाद ट्रांसफार्मर फेल होने की दर घटेगी, लाइन लॉस भी घटेगी, जिससे बिजली की उपभोक्ता को आसानी होगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने एक आवेदन भी भर दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी विद्युत वितरण कंपनी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आवेदन कर लीजिए, क्योंकि 1000 ट्रांसफार्मर का टारगेट दिया गया है। 1000 ट्रांसफार्मर लगने के बाद अगले साल फिर नया बजट पेश होगा। तो वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।